हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग आ रहे हैं मातली में और अभी सुबह का टाइम हो रहा है और आज अभी हम जो है नाश्ते की तैयारी कर रहे हैं। तो आज जो है स्पेशल पहाड़ी नाश्ता बन रहा है जो हमारे गढ़वाल में जो है काफ़ी फेमस है। तो अभी हम बना रहे हैं मंडवे की रोटी का परांठा और गेहद का परांठा बना रहे हैं उसके साथ। तो दिखाते हैं आपको किस तरह बना रहे हैं। तो गाइस, ये है गेहद की दाल और इसको पीसने के बाद जो है ये कुछ इस तरीके से है। और इसमें जो हमने धनिया और लहसुन मिर्च वगैरह पीस के जो है इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब ये हमारी तैयारी हो रही है यहाँ पे रोटी बनाने की। और यहाँ पे हमने आग भी जला ली है क्योंकि जो ये मंडवे की रोटी है ये चूल्हे की जो आग है उसमें अच्छे तरह से बन जाती है। इसके लिए काफ़ी तेज आग चाहिए होती है, अंगार चाहिए होती है। तो इसको हम यहाँ पे चूल्हे में बनाएंगे। और इसकी तैयारी कर ली हमने, आटा भी गूंद रखा है और जिस तरीके से परांठे के लिए जो है रोट बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। और यहाँ पे मेरी मम्मी बना रही है रोटी। आप यहाँ उत्तराखंड के गाँव में जाओगे ना गाइस, तो यहाँ पे मोस्टली जो है लोग जो है गाँव में लकड़ियों से जो है लकड़ी जला के जो है खाना बनाते हैं। और लकड़ी में आग लगाना ही एक बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है। जिन जो लोग जो इसको रोज़ कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत इजी है, परफेक्ट कर सकते हैं। पर जो लोग कभी कभी करते हैं उनके लिए मुश्किल होता है क्योंकि आग लगानी और उसमें खाना बनाना बहुत मुश्किल है। तो यही स्ट्रगल हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे आग जो है बड़ी मुश्किल से लग रही है और ये हमारा रोज़ का काम नहीं है। हम रोज़ जो है लकड़ियों में खाना नहीं बनाते हैं, वो तो अभी रोटी बनानी है तो इसलिए जो है लकड़ी में बना रहे हैं। तो इसलिए हमें जो है बहुत मुश्किल हो रही है। तो यहाँ पे मेरी मम्मी ने जो है जो रोटी को है जैसे परांठा बनाते हैं एग्जैक्ट वैसे ही बनाना है और उसके बाद जो है इसको चूल्हे में पकाना है। तो अब हमारा नाश्ता फाइनली रेडी हो चुका है, अब हम इसे खाएंगे। और हम खा रहे हैं आंवले के अचार के साथ और चाय के साथ। आप इसको घी के साथ भी खा सकते हैं, बटर के साथ भी खा सकते हैं और चटनी के साथ भी खा सकते हैं। और ये आंवले का अचार भी घर का बना हुआ है, मेरी मम्मी ने बनाया है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो रहा है। तो गाइस, अभी मैं बना रही हूँ पैनकेक। अलाइना के लिए मैंने पैनकेक बना लिया है, अब अलाइना खाएगी पैनकेक। यहाँ पे हमारा दिन का खाना बन रहा है। अभी इसमें बन रही है पालक की सब्जी और ये भी हमारे खेतों की पालक की सब्जी है, इसको भी बॉईल कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ एक और पैनकेक। मायरा मैडम कर रही है अपना होमवर्क अभी, है ना मैम? मायरा बहुत अच्छी बच्ची है, अपने आप पढ़ती है, अपने आप अपना होमवर्क करती है ना? बिल्कुल सही बोला ना मम्मा ने, अपने आप करती है अपना होमवर्क ना। देखो मायरा जो है, मायरा को कैपिटल लेटर में जो है कर्सिव हैंडराइटिंग में आर लिखना, वो लेटर्स लिखने हैं। जल्दी करो मायरा, मैंने मायरा को होमवर्क दे रखा है। मायरा अगर काम कर लेगी अपना तब मायरा को 5-10 मिनट के लिए मोबाइल मिलेगा। तो गाइस, ये हो रहा है शाम का टाइम और इस टाइम शाम को जो है यहाँ पे स्कूल के ग्राउंड में हम लोग घूम रहे हैं। और अब मैं इस व्लॉग को एंड करती हूँ। अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें एंड लाइक भी करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक टाटा एंड बाय केयर।